हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ A24 नॉलेज। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गेट 2015 सेट 3 में आए हुए इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आप रिलेट कर सकते हो, या बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, या फिर मैं कह दूँ 11th और 12th की मैकेनिक्स जो थी उससे आप उसे रिलेट कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो वेन एवर वी अपलोड एनी वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी मटेरियल को परचेज करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से उस मटेरियल को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गेट 2015 सेट 3, द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन शोन इन द फिगर अबाउट द एक्सिस एक्स एक्स, दिस इज द एक्सिस एक्स एक्स, इज ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन गिवन है और ये हमारे पास फिगर है। कॉन्सेप्ट की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस निकालना चाहता हूँ किसी भी पॉइंट का। अगर मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और दिस इज एक्स एक्स एंड वाई वाई, ओके। अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास विड्थ है जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये डेप्थ है जिसे मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है मेरे पास। अगर मैं कहूंगा आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अबाउट दिस एक्सिस एक्स एक्स, वो होती है हमारे पास बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्स के पैरेलल जो भी हमारे पास डायमेंशन होगी उसका वन टाइम, और जो भी इसके जस्ट कट कर रही है या फिर उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। मैं इसे इस तरीके से समझ सकता हूँ। इसी चीज़ को अगर मैं आई वाई वाई के फॉर्म में देखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा आई वाई वाई, मतलब ये वाला वाई वाई एक्सिस है, तो इसके पैरेलल वाले का तो डायरेक्ट मैं लिखूँगा डी की पावर 1, और जो इसको कट कर रही है वाई वाई सेक्शन कट कर रहा है बी वाले पॉइंट को, तो इसका क्यूब यानी कि डी बी क्यूब अपॉन 12। तो कन्फ्यूज़न से कई बार दूर होने के लिए हम इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं याद कि किस तरीके से बी डी क्यूब 12 अपॉन होगा और कब डी बी क्यूब अपॉन 12 होगा, ओके। इसके बाद हमारे पास चीज़ आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे पास क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना है, अज्यूम मुझे इस बेस के अबाउट निकालना है, दिस इज ए ए बेस, तो हमारे पास जो थ्योरम है दैट आई विद रिस्पेक्ट टू बेस विल बी आई एक्स एक्स, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हमारा पास हो रहा है, प्लस एरिया, एरिया इस पूरे सेक्शन का क्रॉस सेक्शन का बी इंटू डी मल्टीप्लाई एच पावर 2। एच कौन सा है, इस एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जिस पॉइंट या जिस सेक्शन पे आपको निकालना है उसके रिस्पेक्ट में जो बीच में डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज एच। तो आई बेस इज इक्वल टू आई एक्स एक्स, मतलब ये वाला जिसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, प्लस ए इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया एंड एच स्क्वायर दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर, ये आपका होगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और निकालेंगे इस पूरे का सेक्शन। अब देखिए पूरे का अगर मैं बात करूँ तो मैं दो तरीके से इसे डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इस पूरे सेक्शन रेक्टेंगुलर बार का मैं निकाल लूँगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का मैं निकाल लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो दो सेक्शंस मुझे गिवन हैं, ये जो दो सेक्शंस मुझे गिवन हैं 30 और 30 के, मैं इन्हें रिमूव कर दूँगा, इनका आय मैं रिमूव कर दूँगा यहाँ से, ये वाला पार्ट। तो अगर मैं इस पूरे का आय निकालूँ और ये दो सेक्शंस का आय, ये दो सेक्शंस का आय अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो मुझे इस वाले का मिल जाएगा व्हाट इज़ आई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वाले का बड़े वाले का निकाल लेता हूँ। बड़े वाले का किस तरीके से निकाल सकते हो आप, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स ही निकालना है तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा बी डी क्यूब अपॉन 12, तो मैं लिखूँगा बी मतलब बेस यानी कि ये हो जाएगा 60, डी क्यूब तो डी ये हमारा 120 है बिगर सेक्शन के लिए,
क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ये मैंने काम कर दिया इस फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए, फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास सेकंड है पूरा, और ये मेरे पास रिजल्ट है थर्ड, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली फर्स्ट माइनस थर्ड करूँगा तो मुझे ऑलरेडी सेकंड मिल जाएगा, ठीक है। ये काम हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं फर्स्ट का निकाल चुका हूँ, अब लगाते हैं माइनस। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे इस सेक्शन का निकालना है, ये मेरे पास सेक्शन है, तो मैं पहले इसका एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ। ये मेरे पास इसका एक्स एक्स हो जाएगा, इस वाले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूँ, बी डी क्यूब अपॉन 12। अगर मैं इसका डायमेंशन देखना चाहूँ तो देखिए बेस इसका 30 है, ये है 30, और इस एक्स एक्स से ये टोटल अपर फाइबर 45 पर है और नीचे वाला है 15 पर, तो टोटल ये जो डेप्थ है इसकी वो भी 30 है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर बी डी क्यूब अपॉन 12 लगाऊंगा तो हो जाएगा 30 × 30³ डिवाइडेड बाय 12। ये हमारे पास आया इसका, ठीक है। अब मैं दूसरे वाला कंसेप्ट लगाता हूँ, आई विद रिस्पेक्ट टू बेस या एनी सेक्शन अगर मुझे निकालना है, जैसे यहाँ पर मुझे आई एक्स एक्स का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, दैट आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स विल बी इक्वल टू, देखिए ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसका सेक्शन टोटल कितना गिवन है मुझे, 30 × 30³ डिवाइडेड बाय 12, प्लस मैं कर रहा हूँ ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल 30 है, तो ये हो गया 15 और ये भी है 15, तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस हो गई 30, तो हो गए 30 का स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है 30 × 30, तो ये हो गया 30³। तो मैंने ये कंसेप्ट लगा दिया दैट आई विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस विल बी आई ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस ए एच स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मुझे पता था 30 × 30³ 12। फिर मैंने इस एक्सिस पे निकालना है एक्स एक्स पर, तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। अब ये जो एक्सिस आया, आई एक्स एक्स आया, ये इस वाले सेक्शन का था, इस वाले का, इस वाले का कैसे होगा, सेम होगा क्योंकि दोनों सेम ही है, तो मैं इसका 2 times कर दूंगा, यानी कि जो तो टू पूरी वैल्यू आएगी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर आपको लिख देता हूँ 2 times, सेम कर देते हैं, 30 × 4/12 ये वाला पार्ट हो गया, प्लस 30 × 4 ये आपके पास ये वाला पार्ट हो गया। इसको आपको करना है सॉल्व, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 8 8 5 0 0 0 mm/4, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 6.885 × 10⁶ mm/4। ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।